हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनका जलवा तो सीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनका जलवा तो सीने में मौजूद है। जिसने आकर कला में इलाही दिया, जिसने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। हमारा नाम अजीम नवाब अंसारी है, हम धुलिया महाराष्ट्र से। 2018 में हम उमरा के लिए गए थे, तब हरम शरीफ में वहाँ पे हम मॉडल देखा हुआ था। हमारे जहन में तभी आया कि ये मॉडल अगर हज क्लास में रहा तो जो हाजी लोग जाते हैं उमरा करने जाते हैं उनको थोड़ी तरबियत मिल सके उसमें। हम वहाँ से आने के बाद एक छोटा सा मॉडल बनाए थे। फिर कुछ 2-3 मंथ पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब से बात हुई हमारी, हमने उनसे कहा कि हम एक तोहफे के तौर पर आपको देना चाहते हैं, तो उन्होंने आमीन कहा और अल्हम्दुलिल्लाह मॉडल तैयार होकर हम शाइन में लेकर आए और डॉक्टर अब्दुल कदीर सर को गिफ्ट में तोहफे में दिए। अजीम नवाज अंसारी साहब का शुक्रगुजार हूँ, वो धुलिया से आए और मुझे फ़ोन किए थे और पेशकश किए कि इस तरह से मैं हरम शरीफ का एक मॉडल बना कर दूँगा, इससे पहले बनाया हूँ और वो बहुत ही कम वक्त में सख्त मेहनत करके वो ये बनाए हैं, अपने बीवी बच्चों का सपोर्ट लेते हुए बनाए हैं। ये माशाल्लाह उनके इस ज़ौक़ की मैं तायद करता हूँ, सताइश करता हूँ, अल्लाह और महारत दे ये कोशिश को कबूल फरमाए। आज डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के इंस्टीट्यूशन में ये एक अच्छा सा मॉडल उन्होंने मदीना मुनव्वरा का और मक्का का ये जो मॉडल बनाए हैं, इसके लिए मैं बड़े दिल की गहराई से उनका मुबारकबाद देता हूं कि ये हज को जाने वाले लोग एक मॉडल इसी तरह से ट्रेनिंग लेकर के हज को जाते हैं, लेकिन उस मॉडल को उन्होंने एक अच्छी तरीके से डिस्प्ले किया है आज शाही इंस्टीट्यूशन में, इसके लिए मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं। हिंदुस्तान गवर्नमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट, सऊदी गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस जारी करने के बाद जो ट्रेनर्स को हम लोग बॉम्बे में जो रेडी किए हैं, वो ट्रेनर्स इस साल जो हज को हाजी जाने वाले हैं उनको ट्रेनिंग देंगे। उन ट्रेनर को इस मॉडल से बहुत फ़ायदा पहुंचेगा, बहुत आसानी होगी। मैं एक बार कर्नाटक स्टेट हज कमेटी की तरफ से आपको बहुत मुबारकबाद देता हूं, बहुत शुक्रिया। हमारे रऊफुद्दीन कचेरी वाला साहब, चेयरमैन कर्नाटका वक्फ कमेटी को बहुत ही पसंद आया है और मैं इंशाल्लाह इस मॉडल को आपके बेंगलोर के हज हाउस में रखने की ख्वाहिश रखता हूं। आप वहां पे जगह मुतय्यन कर दीजिए और ये कई लोगों को इसका इस्तेफादा होगा, मैं इंशाल्लाह आपके पास पहुंचा दूंगा और इसका सवाब ज़ाहिर है अजीम नवाब अंसारी साहब को मिलता रहेगा। जज़ाकल्लाह।